आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरा गुड़ के लड्डू। सर्दियों के मौसम में गुड़ से बने चाहे कोई भी रेसिपी हो वह खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और गुड़ खाना बहुत फायदेमंद भी होता है और इसकी रेसिपी ज़्यादातर लोग सर्दियों के मौसम में बनाते हैं। यह मुरमुरा गुड़ के लड्डू बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसे आप एक बार बनाएंगे तो 3 से 4 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 कप मुरमुरा लिया है। लड्डू बनाने से पहले हम मुरमुरा को भूनकर क्रिस्पी करेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में हम मुरमुरा को डालकर धीमी आंच पर भून लेते हैं। जब ये कुरकुरे रहेंगे तभी लड्डू खाने में अच्छे लगेंगे। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे मुरमुरा पूरी तरह से भूनकर कुरकुरे हो जाएं। अगर हम इसे तेज आंच पर भूनेंगे तो मुरमुरा जल्दी से लाल होकर जलने लगेंगे। अब ये मुरमुरा अच्छे से भुन गए हैं। इसको तोड़ने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने कुरकुरे हो गए हैं। अब इसे हम गैस से हटाकर नीचे रख देते हैं और गैस पर दूसरी कढ़ाई रखकर इसके लिए चाशनी को तैयार करेंगे। अब चाशनी के लिए हम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। घी पिघल गया है। अब कढ़ाई में हम 200 ग्राम गुड़ डालकर चाशनी बनाएंगे। अब गुड़ को हम बराबर चलाते हुए पहले गला लेते हैं। हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसमें पानी डालकर पकाएंगे तो चाशनी को हमें ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं। इसी तरह हम चाशनी को चलाते हुए पका लेते हैं। अब गुड़ पूरी तरह से गल गया है और चाशनी पकने लगा है। आप देख सकते हैं चाशनी पकने के बाद इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। अब थोड़ा चाशनी हम पानी डालकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चाशनी हल्की टाइट है, ये पूरी तरह से टूट नहीं रहा है। हमें इसे इतना ही पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें हम मुरमुरा डालकर मिलाएंगे। अगर चाशनी टाइट रहेंगे तो लड्डू भी बहुत टाइट बनेंगे, इसलिए हमें इतना ही पकाना है। इसी तरह हम चाशनी मुरमुरा को मिला लेते हैं। चाशनी में हमने मुरमुरा को अच्छे से मिला लिया है। अब इसका हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। लड्डू बनाने से पहले हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने से ये हाथ में चिपकेंगे नहीं और लड्डू एकदम साफ बनेंगे। थोड़ा सा मुरमुरा हाथ में लेंगे और इसको दोनों हाथ से गोल करते हुए लड्डू बना लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इस तरह से लड्डू बनाया है। इसी तरह हम सारे मुरमुरा के लड्डू बना लेते हैं। सभी लड्डू हम एक साइज के बनाएंगे, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं। ध्यान रहे लड्डू को हमें चाशनी गर्म रहते ही बनाना है। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो टाइट हो जाएंगे और लड्डू भी नहीं बन पाएंगे। एक एक करके हमने सारे लड्डू को बना लिया है। आप देख सकते हैं हमारे इस तरह से मुरमुरा और गुड़ के लड्डू बनकर तैयार हैं। इसे बनाने में हमें लगभग 10 मिनट लगे हैं। जब यह मुरमुरा के लड्डू घर में रखे होते हैं तो बच्चे इसे ढूंढकर खाते हैं, क्योंकि इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत कम समय में जल्दी से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं।